सोलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ एंड मस्त होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज के बीच जो मैच होने जा रही है उसके बारे में। ये मैच कहाँ पे और ये पिच रिपोर्ट कैसा होने वाला है, वेदर रिपोर्ट कैसा होने वाला है, इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ देखेंगे कि आज का प्रोबेबल प्लेयर कौन कौन से खेले जाने वाले हैं और हमारे लिए जो बेस्ट होंगे उसको हम यहाँ पे एक टीम बना के दे देंगे, जो कि यहाँ पे आपको मिल जाते हैं बेस्ट कैप्टन, वाइस कैप्टन और एक अच्छा सा GLSL टीम। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये मैच कहाँ पे होने जा रही है, इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज सेकेंड ODI। ठीक है, तो आज सैटरडे है 29 जुलाई 2023, 7 o'clock में ये मैच होने जा रही है। ठीक है, और चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो मैच है कैनिंगटन ओवल बारबाडोस वेस्ट इंडीज में होने जा रही है। वहाँ का पिच न्यूट्रल है, आप न्यूट्रल का मतलब समझ सकते हैं कि बैलेंस पिच है। ठीक है, और वहाँ का वेदर जो है आज वेदर रिपोर्ट क्लाउडी रहने वाला है। टोटल मैचेस यहाँ पे 40 हुए हैं, जिसमें से बैटिंग फर्स्ट करने वालों ने 19 मैचेस विन किए हैं और बॉलिंग फर्स्ट करने वालों ने भी 19 मैचेस विन किए हैं। ठीक है, हाईएस्ट टोटल की बात करें तो हाईएस्ट टोटल यहाँ पे 364 रन बने हैं 4 विकेट के नुकसान पे। हाईएस्ट चेज स्कोर की बात करें तो 364 रन बने हैं 4 विकेट के नुकसान पे। लोवेस्ट टोटल की बात करें तो लोवेस्ट टोटल यहाँ पे 91 रन बने हैं 10 विकेट के नुकसान पे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज कौन कौन से प्रोबेबल प्लेयर हमारे लिए खेले जाने वाले हैं। सो आ जाते हैं यहाँ पे इंडिया की, और इंडिया में देखने को मिल रहा होगा आपको सुमन गिल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव, रविंद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर, कुलदीप यादव, उमरान मल्लिक और मुकेश कुमार। तो इतने सारे प्लेयर जो है आपको इंडिया से खेलते हुए नजर आएंगे सर। तो चलिए अब बारी है वेस्ट इंडीज की, देख लेते हैं वेस्ट इंडीज से कौन कौन से प्लेयर खेले जाने वाले हैं। सो उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि फाइनल टीम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाता है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा जो चैनल है वो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इंडियन यूट्यूबर दीपक जैन हमारा, आप सर्च करेंगे इंडियन यूट्यूबर दीपक जैन कुछ इस तरह से, जो कि आपको नीचे में दिख रहा होगा यहाँ पे कुछ इस तरह से। अगर आप सर्च करेंगे और टेलीग्राम में @ लगा के तो आपको आ जाएगा और आप सही जगह पे पहुंचेंगे। वैसे तो बहुत सारे फेक आईडी बने हुए हैं और आप गलत जगह पहुंच जाते हैं, फिर आके वीडियो में कमेंट करते हैं कि भाई आप तो ये करते हैं वो करते हैं, मतलब गलत सलत कमेंट करते हैं। ठीक है, सो उससे पहले आप देख लें कि आप हैं कहाँ पे। हमारे यहाँ पे सारी चीज़ें फ्री में प्रोवाइड कराई जाती है और यहाँ पे जो टीम मिलती है आपको सबसे अच्छी मिलती है और बिल्कुल फ्री मिलती है। ठीक है, सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं वेस्ट इंडीज से कौन कौन से प्लेयर खेले जाने वाले हैं। आ जाते हैं वेस्ट इंडीज की, और यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा ब्रेंडन किंग, केल स्मिथ और एलिक एथनेस, साई होप, सिमरन हेटमेयर, रोमन पॉवेल और रोमेरियो सेफर्ड, यानिक कैरिया और यहाँ पे आपको जेडन सिल्स, डोमिनिक ड्रेक्स और यहाँ पे गुरकेश मोटी। तो इतने सारे प्लेयर जो है आपको वेस्ट इंडीज से खेलते हुए नजर आएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, उससे पहले हम इसको थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि इंडिया वेस्ट इंडीज के बीच जो हेड टू हेड मैचेस हुए हैं उसमें से टीम कितने विन किए हैं किसने। ठीक है, तो इंडिया ने जो है 71 मैचेस विन किए हैं और वेस्ट इंडीज ने 63 मैचेस विन किए हैं। आज मैं आपको बता देता हूँ कि आज का मैच जो है, आज का मैच वेस्ट इंडीज विन करने वाला है, ये मेरी प्रिडिक्शन है। ठीक है, सो जाओ जाके आग मूल के अच्छे से टीम बनाओ। ठीक है, सो चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे इसको पहले इरेज कर देते हैं तो आगे पेज में आ जाते हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा बेस्ट फॉर स्मॉल लीग प्लेयर्स। तो बेस्ट फॉर स्मॉल लीग प्लेयर में हम किसे सिलेक्ट करें, तो स्मॉल लीग प्लेयर में आप कुलदीप यादव, आप पॉइंट वगैरह देख सकते हैं कि 140 पॉइंट है इनके, और यहाँ पे रविंद्र जडेजा जो कि 112 पॉइंट इनके हैं। ठीक है, और वेस्ट इंडीज से आप सिलेक्ट कर सकते हैं गुराकेश मोटी, 64 पॉइंट है, और साई होप को आप सिलेक्ट कर सकते हैं जो 53 पॉइंट यानी कि 53 पॉइंट है। ठीक है, इनके। और बेस्ट फॉर ग्रैंड लीग, ग्रैंड लीग में आप किसे सिलेक्ट करेंगे जो कि सबसे अच्छा होगा, आपके लिए अच्छा खेलेगा और आपको अच्छा पॉइंट बना के देगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिया से आप उमरान मल्लिक को सिलेक्ट कर सकते हैं जो कि 4 पॉइंट अभी तक है इनके, और विराट कोहली को सिलेक्ट कर सकते हैं जो कि 12 पॉइंट है। इसको आप हाई रिस्क समझ सकते हैं कि हाई रिस्क में आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं जो कि GL के लिए आपके लिए बेस्ट होगा। और यहाँ पे वेस्ट इंडीज से आप रोमेरियो सेफर्ड को सिलेक्ट कर सकते हैं 1 पॉइंट, और केल मेयर्स को आप सिलेक्ट कर सकते हैं जिन्होंने अभी तक 6 पॉइंट बनाए हैं एक मैच से। ठीक है, जो कि ODI अभी तक एक ही हुई है, तो एक मैच से 1 पॉइंट या फिर 4.6 पॉइंट बनाए हुए हैं। ठीक है, और बेस्ट फॉर डेथ ओवर में किसे हम सिलेक्ट करेंगे बॉलर को, तो डेथ ओवर बॉलर किसे हम सिलेक्ट करेंगे, तो डेथ ओवर बॉलर में इंडिया से आप शार्दुल ठाकुर को सिलेक्ट कर सकते हैं,
और यहाँ पे मुकेश कुमार को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, जो कि इंडिया से डेथ ओवर बॉलर आपका हो जाता है। वेस्ट इंडीज से आप सिलेक्ट कर सकते हैं डोमिनिक ड्रेक्स और रोमेरियो सेफर्ट को आप सिलेक्ट कर सकते हैं डेथ ओवर बॉलर। यहाँ पे दोनों ही बॉलर्स का चलने वाला है, पेसर्स और स्पिनर दोनों को हेल्प होने वाला है, तो आप दोनों को मिला के आप अच्छे से कॉम्बिनेशन बना के टीम बनाएं तो अच्छा रहेगा। वैसे तो आपको यहाँ पे एक टीम भी मिल जाता है, तो लास्ट तक बने रहिए, आपको टीम भी यहाँ पे बना के दे दिया जाएगा, ठीक है। सो चलिए आगे वाले पेज में चलते हैं, और यहाँ पे आपको कैप्टन वाइस कैप्टन किसे सिलेक्ट करना है वो बताएंगे, ठीक है। तो कैप्टन वाइस कैप्टन आपको किसे चूज करना है, विराट कोहली, रोहित शर्मा, इनको आप कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हैं ग्रैंड लीग में, जो कि बहुत ही रिस्की वाला टीम है, ठीक है, उसमें आप इन दोनों को कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हैं। वैसे आप साई होप और रविंद्र जडेजा को आप सिलेक्ट कर सकते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन में, ठीक है। बी किंग और रविंद्र जडेजा को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा जो है हम आपको बोलेंगे कि गुणाकेश मोटी जो है, जी मोटी को आप सिलेक्ट कर सकते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन में, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। और एक आई किशन, ईशान किशन को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा प्रेडिक्शन वाला कैप्टन वाइस कैप्टन है जो आपको बहुत ही अच्छा पॉइंट अर्न करके देगा, ठीक है। सो चलिए टीम बनाते हैं, और टीम में जो है सबसे अच्छे प्लेयर को हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे जो कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट देंगे। तो आ जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे एस होप को। एस होप को हमने सिलेक्ट कर लिया जो कि साई होप है, ठीक है। उसके बाद आई किशन, ईशान किशन को हमने सिलेक्ट कर लेना है विकेट कीपर में। दो विकेट कीपर हमें सिलेक्ट करना है, उसके बाद तीन बैट्समैन सिलेक्ट करना है। बैट्समैन में आप वी कोहली को रख सकते हैं, विराट कोहली, और दूसरा जो है आप बी किंग को ले लें, बी किंग। उसके बाद जो है आप यहाँ पे रोहित शर्मा रख सकते हैं या फिर ए एथनेस को रख सकते हैं, तो हम यहाँ पे लेंगे आर शर्मा को, रोहित शर्मा को हमने सिलेक्ट कर लिया। तो तीन बैटर हमें सिलेक्ट करना है और दो ऑलराउंडर सिलेक्ट करना है। दो ऑलराउंडर कौन कौन से हो जाएंगे, तो हमारा पहला हो जाएगा रविंद्र जडेजा और दूसरा जो है हार्दिक पांड्या। तो आर जडेजा और एक एच पांड्या, हार्दिक पांड्या। तो कुछ इस तरह से दो ऑलराउंडर सिलेक्ट करना है और चार जो है आपको यहाँ पे बॉलर सिलेक्ट करना है, जो कि एक हो जाएगा वाई कैरी, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हो जाएगा कैरी, वाई कैरी, और एक हो जाएगा के यादव, कुलदीप यादव, वाई कैरी, और एक हमारा हो जाएगा जी मोटी, ठीक है। सो गुणाकेश मोटी हमने सिलेक्ट कर लिया है, और एक हम सिलेक्ट करेंगे एस ठाकुर, शार्दुल ठाकुर को हमने सिलेक्ट कर लेना है। चार बॉलर सिलेक्ट करना है, दो ऑलराउंडर, तीन बैटर और दो विकेट कीपर, कुछ इस तरह से हो जाता है। आप रोहित शर्मा की जगह पे ए एथनेस को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो कुछ इस तरह से है, और कैप्टन वाइस कैप्टन तो आपको बता ही दिए कि आप इन दोनों को रख सकते हैं जीएल में, और ब्रेंडन किंग के साथ आप विराट कोहली के साथ जा सकते हैं, और अगर आप एसएल खेलना चाहते हैं बहुत ही अच्छे से तो आप रविंद्र जडेजा और साई होप को रख सकते हैं एसएल में, और रविंद्र जडेजा और विराट कोहली को भी आप रख सकते हैं जीएल में। अगर आप दो से तीन टीम क्रिएट करते हैं तो उसमें आपको पांच से छह टीमों का कैप्टन वाइस कैप्टन इन्हीं को रोटेट करना है, ठीक है। सो अगर आप इनको रोटेट कर लेते हैं तो आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। सो आप अच्छा खासा अमाउंट जीत सकते हैं, तो जाइए जाके टीम बनाइए। आप चाहे तो इसे पॉज करके भी देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करिए, साथ ही साथ सब्सक्राइब करिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।